बैर मुतकारिव मुसम्मन सालम। मुतकारिव का मतलब हुंदा नेड़े होना। यह सब तो पहला जिहड़ा आपां वट्टा देखिया सी फाउलन, उहनूं चार वार एक लाइन दे विच दो लाइनां दे विच अठ वार करके बनदी आ। इस बैर दे क्योंकि जिहड़े रुकने आ बड़े छोटे आ, अखर नेड़े नेड़े हो जांदे आ, इस करके इहदा नां है मुतकारिव। मुसम्मन का मतलब एक लाइन दे विच चार वार, दो लाइनां दे विच अठ वार आना। सालम का मतलब कि बैर अपने असली तरीके नाल वरती गई आ, इहदे विच कोई कट बढ़ नहीं होई। सो बैर मुतकारिब मुसम्मन सालम। फाउलन 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 फाउलन, जां डॉक्टर अस्तर सेम कह रहा गुलाली 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 गुलाली, जां तुसी कह सकते हैं गुणागण 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 गुणागण। हुण इहदे विच आपां शेर देखते हैं। सहारे ना जांदे जमाने दे दुखड़े, तेरे प्यार दे जे सहारे ना हुंदे। एडी चीज़ आ, सहारे ना जांदे जमाने दे दुखड़े, तेरे प्यार दे जे सहारे ना हुंदे। यह है बैर मुतकारिब। इस तरीके नाल हुण तुसी कोई भी इहदे थल्ले लाइन लिख सकते हैं, ते उहदा तुसी उहदे बराबर लाइनां रखणियां, ते तुसी इह देखना कि ऐन उसी तरीके दे नाल गुला ली गुणा गण गुणा गण, हाँ सहारे ना जांदे जमाने दे दुखड़े, तेरे प्यार दे जे सहारे ना हुंदे। ऐन उसने ऐन उहदे हिसाब नाल फार्मूले नाल फिट कर दित्ती है। यही अरूज दा कमाल आ कि अरूज दे विच जदों तुसी एक बारी अरूज दे हिसाब नाल मुतहरक ते जिहड़े हैगे आ साकिन उह फिट कर देणे आ, उहदे विच एक तरीके दा फ्लो आ जाणा। ते इह हो गई बैर मुतकारिब मुसम्मन सालम। ते जे आपां इहदा मुसद्दस रूप बनाणा होवे, जाने कि छे वारी गुलाली 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 गुलाली, इन्ना जे इहनूं वरतणा होवे फिर तां उह बण जाणीआं बैर मुतकारिब मुसद्दस सालम। ते उहदे विच जे आपां शेर देखणा होवे गुलाली 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 गुलाली, ते शेर उहदे विच फिट आऊगा ना सांभी गई महक अपनी, इहो दोष सी बस कली दा। ना सांभी गई महक अपनी, इहो दोष सी बस कली दा। ते तीजा रूप इहदा देखदे आ सालम दे विच, जिहड़ा साज दा रूप हुंदा बैरां दा। जे हुण आपां कहणा होवे बैर मुतकारिब साज दा सालम, इहदा मतलब की हो जाणा कि एक लाइन दे विच अठ वार जिहड़ा रुकन आ उह आणा। गुलाली 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 गुलाली, जाने कि लाइन डबल हो जाणी आ। इहदे विच आपां एक एग्जाम्पल देखदे आ। बड़े लोग आवण बड़े लोग जावण, बड़ी भीड़ रहिंदी है सागर किनारे, सदा उहदे हिस्से च आउंदे ने मोती डुंगेरे, जो बहणा च खुद नूं उतारे। ये देखो ये किस तरीके नाल आई आ, ये इहदा साजदां रूप आ। हुण इहनां नूं ज़िहाफां वी लग जांदियां। हुण इसे बैर नूं जे आपां सरम ज़िहाफ लाणी होवे, सरम ज़िहाफ हुंदी आ जदों आपां फाउलून दे विच्चों फ ते न नूं उड़ा दईए, विचाले ऊल रहि जांदा। ते हुण एक एग्जाम्पल देखदे आं आपां बैर मुतकारिब साजदां असरम। हुण मुतकारिब तां हो गई इह बैर पे फाउलून नाल जिहड़ी बैर बणनी उह मुतकारिब हो गई, ते जदों आपां कहता साजदां इहदा मतलब एक लाइन च अठ वारी दो वारी सोलह वारी, ते जदों आपां कहता असरम ते इहदा मतलब विच्चों कितों फ ते ना उड़ाया होया। ते हुण इहदे विच आपां की कह सकते हैं ऊल फाउलन ऊल फाउलन ऊल फाउलन ऊल फाउलन। हुण पर क्योंकि ऊल नहीं आपां वरत सकते, क्योंकि मैं पहला भी कहा सी कि जिहड़े अरकान ने उहनां नूं अफाइल भी कहिंदे आ, क्योंकि उहनां दे विच फे ऐन ते लाम दा आना जरूरी आ। सो ऊल जदों आपां कहा उहदे विच फे नहीं आया, सो इस करके इहनूं पहलां आपां फेल कर लैणा, जाने कि फेल फाउलन फेल फाउलन फेल फाउलन फेल फाउलन, जा लाल गुलाली लाल गुलाली लाल गुलाली लाल गुलाली, जा गाण गुणागण गाण गुणागण गाण गुणागण गाण गुणागण, चार चफेरे कोट बलावा केस दिशा बल पैर बधावा, जीण लई की बणत बणावा फिक्र ए मैनू जाल रहा है। ये देखो इनू असरम ज़िहाफ लग के ए चीज़ बन गई।
ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਫਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਫਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋ ਜ਼ਿਆਫਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ ਜ਼ਿਆਫ, ਜਿਹੜੀ ਕਬਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਉੜਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਫਾਊਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੜ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਫਾਊਲ। ਦੂਜੀ ਜ਼ਿਆਫ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਲਮ ਜ਼ਿਆਫ, ਸਲਮ ਜ਼ਿਆਫ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਉੜ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਊਲਨ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਊਲਨ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫੇਲਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਤਕਾਰਬ ਸਾਜਦਾ ਮਕਬੂਜ਼ ਅਸਲਮ, ਉਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਜ਼ਿਆਫ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਸਲਮ ਜ਼ਿਆਫ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 8 ਵਾਰ ਆਉਣਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਫਾਊਲ ਫੇਲਨ ਫਾਊਲ ਫੇਲਨ ਫਾਊਲ ਫੇਲਨ ਫਾਊਲ ਫੇਲਨ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ 4 ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖਲੋ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਰੀ ਨਹੀਂ ਰਾਤੇ, ਅਟਕ ਅਟਕ ਕੇ ਪਈ ਨਹੀਂ ਚੀਸੇ, ਭਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ ਮਹੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਕਿ ਹੈ ਇਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨ ਮਨ ਦੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਬੈਰ ਮੁਤਕਾਰਬ ਸਾਜਦਾ ਮਕਬੂਜ਼ ਅਸਲਮ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਫਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਬੈਰ ਮੁਤਕਾਰਬ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ।